नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फाइनल मुकाबले में भारत के स्टार बल्लेबाज मोहित शर्मा और नमन ओझा बढ़ाएंगे खिलाड़ियों का उत्साह। मंत्री ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट माल्थोन में 8 जनवरी को होने जा रहे फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज नमन ओझा और मोहित शर्मा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने माल्थोन पहुंच रहे हैं। यदि मौसम ने साथ दिया तो मंत्री ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट माल्थोन फिर एक बार इतिहास रचने को तैयार है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का यह 7वां संस्करण है, जिसमें देश और प्रदेश स्तर की हस्तियों का आगमन होता है। लगातार एक माह चलने वाले इस आयोजन में खुरई विधानसभा क्षेत्र की करीब 400 से भी ज्यादा टीमें भाग लेती हैं, जो माल्थोन, खुरई एवं बांदरी में एक साथ मैचों का आयोजन करवाया जाता है। आज मंत्री ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल यंग स्टार माल्थोन और गोल्डन क्रिकेट क्लब बरोदिया कला के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें गोल्डन क्रिकेट टीम बरोदिया कला ने यंग स्टार माल्थोन को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। यदि मौसम साफ रहा तो आज शुक्रवार को MCC मैदान में सेमीफाइनल बरोदिया कला और महू नाजाट खुरई के बीच खेला जाएगा। गोल्डन क्लब ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 122 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था, जिसका पीछा करने उतरी यंग स्टार माल्थोन के बल्लेबाज विफल साबित हुए। एक के बाद एक बल्लेबाज चलते बने, मात्र 58 रन बना पाए और 62 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में दीपक तिवारी का शानदार प्रदर्शन रहा है, जिन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस मुकाबले को देखने के लिए 10,000 से ज्यादा दर्शक मैदान में पहुंचे। दर्शक दीर्घा चारों ओर से दर्शकों से भरा हुआ था। सुरेंद्र जैन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, माल्थोन। तो पहले ओवर में दूसरा छक्का लगता हुआ भारतीय गोल्डन की ओर से, इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई ये पॉकेट। इस बार चलता हुआ इस बार लेफ्ट साइड की ओर गेंद थी, एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती, अंपायर का सारा झांकने का आता हुआ। तो इस बार अंदर आते ही गेंद को फिर से प्लेस किया, वहां पर कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस बार ऑफ साइड की गेंद थी, काफी शॉर्ट गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए ट्रॉफी गेंद जाती सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। रे मंत्री का भी चौका, कनेक्टिंग का भूपेंद्र भैया। और इस बार अंदर आती ही गेंद, और इस बार सामने बल्लेबाज अनुप परिहार, और इस बार लेग की दिशा में खेलने का प्रयास। तो माननीय मंत्री जी की तरफ से जो ये टूर्नामेंट खेल रहा है, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट खेल रहा है, और आज जो दोनों टीम खेली है बहुत ही शानदार खेली है, और दोनों टीमें यहाँ की मतलब बेस्ट टीमें थी, और ये दोनों टीमों में से ही कोई एक फाइनल विजेता टीम रहेगी, ये मुझे भरोसा था। आज के दिन जो मैच खेल रहा है वो फ्री माइंड खेल रहा है, क्योंकि कल जो हम खेल के गए थे यहाँ से, उसके बाद हम फ्री थे और इन लोगों पर प्रेशर था, इसलिए